देर रात तुलसीदास को नींद नहीं आ रही होती है। वे बारंबार अपने बिस्तर पर करवट बदल रहे होते हैं। न जाने उन्हें कौन सी व्याकुलता खाई जा रही है जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही। और पूरी रात करवट बदलने के बाद जब उनकी नींद खुलती है तब उन्हें उठने में अत्यधिक विलंब हो चुका होता है और अब तक सुबह का सूरज बहुत समय पहले ही उदय हो चुका है। और तब जाकर उन्हें अनुभूति होती है कि रामघाट पर कोई उनकी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा होगा और वे जागते ही नंगे पांव भागते भागते रामघाट की ओर बढ़ने लगते हैं। राह में दौड़ते हुए उनके पांव में कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ पत्थर से उनके पांव छिल रहे हैं, परंतु उन्हें अपनी कोई सुध नहीं है। वे केवल शीघ्र अतिशीघ्र रामघाट पहुंचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें केसरी नंदन हनुमान जी तक पहुंचना है। वहीं जब तुलसीदास रामघाट पर पहुंचे उन्हें घाट के एक छोर पर हनुमान जी ध्यान मुद्रा में लीन नजर आए। उनकी आभा अविस्मरणीय है एवं उनके ललाट पर वही तेज विराजमान एवं उनके मुख से निकलता श्री राम नाम का जाप लगातार वहां के वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। हनुमान जी के मुख से श्री राम नाम का जाप सुनकर तुलसीदास के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे हनुमान जी के चरणों में गिर गए। प्रभु स्वामी, परंतु हनुमान जी अपने राम धुन में इतने लीन होकर रम गए हैं जैसे कि वे तुलसीदास की कोई बात सुन ही ना रहे हों। तभी तुलसीदास ने राम नाम का जयकारा लगाया, जय श्री राम। और यह सुनते ही हनुमान जी के नेत्र अपने आप खुल गए। हनुमान जी को प्रणाम करते हुए तुलसीदास ने कहा, क्षमा करें प्रभु, हमें यहां आने में विलंब हो गया, आपको हमारे कारण प्रतीक्षा करनी पड़ी, प्रभु क्षमा करें। हनुमान जी ने तुलसीदास को उनके कांधे से उठाते हुए कहा, तुलसी आपको क्षमा मांगने की कोई दरकार नहीं, आपने कोई भूल नहीं की है, हम जानते हैं आप केवल हरि दर्शन को व्याकुल हैं, आपको निदान अवश्य मिलेगा, आपकी प्रभु श्री राम से भेंट अवश्य होगी। हनुमान जी की बात सुनकर तुलसीदास ने स्वीकृति में अपना सिर झुका लिया और आगे हनुमान जी से कल की शेष कथा को सुनाने का आग्रह किया। वहीं हनुमान जी ने मृदु मुस्कान के साथ जय श्री राम का जयकारा लगाकर अपनी कथा को प्रारंभ किया। ऋषि चालुक्य की कुटिया में ऋषि चालुक्य ने बाली के हाथ में विष सौंपते हुए कहा, बाली मैं ये विष तुम्हें दे तो रहा हूं परंतु इतना अवश्य स्मरण रहे ये अतिविष है जो 100 अतिविषधारी सर्पों के विष से बना है एवं इसकी एक ही बूंद से 100 मनुष्य की भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इसका उपयोग सोच विचार कर ही करना। अतिविष का नाम सुनते ही बाली के नेत्रों में एक विचित्र चमक उभरने लगी जैसे कि उसे इसी प्रकार के किसी विष की चाह हो। और मन ही मन एक घृणित उपाय सोचकर बाली मुस्कुरा उठा। बाली के मुख पर दिख पड़ती मुस्कान ऋषि चालुक्य के नेत्रों से भी छिपी ना रह सकी। और वहीं बाली ऋषि चालुक्य की बात पर स्वीकृति में केवल हां कहकर उन्हें प्रणाम करते हुए वहां से चला गया। परंतु बाली के वहां से जाने के बाद ऋषि चालुक्य अपनी कुटिया में मंद मंद मुस्कुराने लगे और उनके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा प्रस्फुटित होने लगी। तो क्या था ऋषि चालुक्य के मुस्कुराने के पीछे का कारण? क्या ऋषि चालुक्य की भी एक अलग मंशा छुपी हुई है इन सब के पीछे? कैलाश पर्वत पर कैलाश से यह सब कुछ देख रही माता पार्वती चकित रह गई और महादेव से उन्होंने पूछा, स्वामी ये बाली क्या करने जा रहे हैं? ऐसे में तो अंजनी की होने वाली संतान के जीवन में विपत्ति आ जाएगी एवं
ऋषि चालुक्य के मुस्कुराहट का कारण क्या है स्वामी? माता पार्वती की बात सुनकर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तनिक धैर्य रखिए देवी, जो कुछ भी हो रहा है नियति से परे कुछ भी नहीं है। माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा, अर्थात प्रभु ये भी आपकी एक लीला है? वहीं महादेव ने स्वीकृति में केवल अपने नेत्रों को झुका लिया। वहीं कुरु साम्राज्य में माता अंजनी की गोद भराई की रस्म है। विशेष प्रकार से पूरे राजमहल को सजाया गया है। चारों ओर दासियां विचर रही हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की तैयारियों में जुटी हुई हैं। भांति भांति के भोज एवं मिष्ठान बनाए जा रहे हैं। अलग अलग प्रांत से कई सारे मेहमान आए हुए हैं और वहीं कुरु साम्राज्य की समस्त प्रजा को इस रस्म की भारी उत्सुकता है और वे महारानी के गोद में शीघ्र अति शीघ्र एक संतान की किलकारियों को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुग्रीव भी स्वयं अपनी पत्नी रूमा एवं अपने भ्राता श्री बाली की पत्नी तारा के संग इस पावन अवसर पर राजमहल में उपस्थित हैं। रूमा देवी एवं तारा एक प्रकार से महारानी अंजनी की बहन थी, इसलिए तीनों में काफी अच्छी घनिष्ठता थी। वहीं रूमा एवं तारा को भी अपने मौसी बनने की उत्सुकता थी और वे दोनों महारानी अंजनी के साथ उनके कक्ष में खिलखिलाकर हंसते हुए बातें कर रही हैं। वहीं सुग्रीव को महाराज महल में उपस्थित देख बाली क्रोध में जलने लगा और स्वयं से बड़बड़ाया, कहीं भी अवसर मिलने पर यह मुख उठाकर चला आता है, इसे तो किष्किंधा साम्राज्य की कोई चिंता ही नहीं है। बाली इस समय अतिविष को लेकर अपनी घृणित मानसिकता के साथ वहां राज प्रांगण में उपस्थित तो है, परंतु उसके मस्तिष्क में इस समय केवल एक युक्ति चल रही है, अतिविष द्वारा अंजनी के गर्भ को नष्ट करने की। तभी युक्ति जैसे स्वयं बाली के समक्ष आकर खड़ी हो गई। महाराज केसरी ने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए भोज को प्रारंभ करने का आदेश दिया। आप सभी का यहां हमारे राजमहल में स्वागत है। हमें अति प्रसन्नता है कि आप इस रस्म में हमारा साथ निभा रहे हैं। आइए भोज का आनंद उठाइए। वहीं महारानी अंजनी ने महाराज केसरी से कहा, हम केवल महादेव को चढ़ाया गया भोग एवं फल ही ग्रहण करेंगे स्वामी। और तारा को कहकर महारानी अंजनी ने महादेव पर अर्पित फल और भोग लाने के लिए कह दिया। वहीं भोग और फल का नाम सुनते ही बाली के कलुषित मन में एक युक्ति खेलने लगी और अपनी माया द्वारा बाली ने उस अतिविष को एक फल के रूप में परिवर्तित कर दिया और अपने पत्नी द्वारा ले जा रहे महादेव के भोग में उस विषयुक्त फल को अति चतुराई से बदल दिया। अब हम भी देखते हैं अंजनी और उसके शिशु को कौन बचाता है। इसके उपरांत बाली एक कुटिल मुस्कान के साथ प्रतीक्षा करने लगा माता अंजनी के गर्भ के विनाश का। वहीं भगवान के भोग के फल को ग्रहण करने के बाद महारानी अंजनी के पेट में तीव्र पीड़ा उत्पन्न होने लगी और पीड़ा से उनका मन व्याकुल हो उठा। वहीं अंजनी को दर्द में व्याकुल देख महाराज केसरी चिंतित हो उठे और उन्होंने समस्त दासियों को महारानी की सेवा करने के लिए कहा। एक बूढ़ी दासी ने महाराज केसरी के सम्मुख प्रस्तुत होते हुए कहा, महाराज महारानी अंजनी को प्रसव पीड़ा हुई है, कृपया आप चिंता ना करें, महादेव अवश्य कृपा करेंगे और आप दोनों को संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर उस दासी ने उस कक्ष का द्वार बंद कर दिया जिस कमरे में महारानी अंजनी को कई दासियां लेकर गई हुई थी। वहीं उस कक्ष के बाहर महाराज केसरी व्याकुल होकर चहलकदमी करने लगे। उनके मुख पर एक विचित्र चिंता की लकीर विद्यमान है, जैसे कि कोई बात उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। वहीं जहां एक तरफ महाराज केसरी अति चिंतित हैं, वहीं उनसे बस थोड़ी ही दूर
एक स्तंभ के पीछे खड़े बाली के मुख की मुस्कान बड़ी नजर आने लगी है। और बाली ने कुटिल मुस्कान के साथ स्वयं से कहा, अब हमारे राज सिंहासन पर अपनी कुदृष्टि डालने वाला हमेशा के लिए काल के गाल में समा जाएगा। वहीं कुछ समय पश्चात जब उस कक्ष का द्वार खुला, तब एक निस्तब्धता छाई हुई थी। महाराज केसरी अपने चेहरे की व्यग्रता को छुपाते हुए उस कक्ष की ओर तीव्रता से बढ़ने लगे, परंतु इसके पूर्व कि वे द्वार को खोलकर कक्ष की ओर बढ़ पाते, वहीं बूढ़ी दासी अपने साथ एक शिशु को लेकर उनकी ओर ही बढ़ने लगी। उस शिशु को देखते ही महाराज केसरी की आंखें एक दिव्य मुस्कान से भर गईं। इस समय वे केवल उस शिशु के चेहरे को देख रहे हैं, शिशु के चेहरे से निकलती आभा को देख रहे हैं, उसके ओजस्वपूर्ण मुखमंडल को देख रहे हैं, उसके ललाट के तेज को देख रहे हैं। वहीं वो शिशु भी मुस्कुराकर उन्हें ही एक तक देख रहा है, जैसे कि उसे यह भी ज्ञात हो कि वो इस समय अपने पिता के सम्मुख है। और दासी से अपने नन्हे शिशु को अपनी गोद में लेकर महाराज केसरी पूरा राजमहल घूमने लगे। पूरे राजमहल में भी खुशियों की लहर दौड़ गई। सब मेहमान महाराज केसरी को बधाइयां देने में लगे हुए हैं। महाराज केसरी की खुशी इस समय देखने लायक है। राजमहल के अग्रभाग की ओर अपने छोटे से शिशु को गोद में लेकर महाराज ने अपनी पूरी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, आज इस पूरे कुरु साम्राज्य का उत्तराधिकारी हमें मिल चुका है और हमें आप सबको बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमने अपने इस शिशु का नाम रखा है मारुति। मारुति नाम सुनकर समस्त प्रजागण हर्षोल्लास से झूमने लगी और जय जयकार करने लगी। महाराज केसरी की जय, महारानी अंजनी की जय, मारुति की जय। इस जयकारे के साथ जैसे समस्त प्रकृति झूम उठी, पशु पक्षी समेत हर जीव जंतु अपने प्रकार से इस खुशी में सम्मिलित होकर नृत्य एवं गान करने लगे। वहीं समस्त देवतागण मारुति को अपनी अपनी ओर से आशीर्वाद दे रहे हैं एवं आकाश पथ से पुष्प की वर्षा होने लगती है। बसंत के फूल चारों ओर खिल उठे हों और हर ओर हरियाली छा गई हो, संपूर्ण वातावरण मनोरम हो उठा है। उस समय जहां एक ओर सब लोग महाराज को पुत्र प्राप्ति की शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं जैसे ही बाली की दृष्टि उस शिशु के मुख पर पड़ी, उसके मुख से केवल इतना ही निकला, नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आखिर मेरा दिया हुआ अतिविश अपने कार्य में सफल क्यों नहीं हुआ? वहीं वो शिशु उस समय मुस्कुराते हुए बाली की ओर ही देख रहा है, जिसके तेज को देखकर बाली को घबराहट होने लगती है और बाली एक विचित्र अनुभूति के कारण क्रोध में वहां से प्रस्थान कर जाता है। वहीं कैलाश पर्वत पर महादेव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और माता पार्वती उनकी लीला से अति प्रसन्न है। मृदु मुस्कान के साथ माता पार्वती ने कहा, आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। सच में प्रभु, आपकी कृपा जिस पर बरस जाए वो धन्य हो जाता है। वहीं कुछ माह के पश्चात देवराज इंद्र इस समय अपने राज सिंहासन पर विराजमान है, परंतु उनके मुख पर कोई भी आनंद की भावना नजर नहीं आ रही है। उनके मुखमंडल पर एक चिंता का घेरा व्याप्त है, जैसे कि वे कई रात्रि से सोए ना हों। अपने पिताश्री को इस अवस्था में देखकर इंद्रराज के पुत्र जयंत राज सिंहासन के समक्ष जाकर कहने लगे, पिताश्री, हम कई दिवस से देख रहे हैं आप अत्यधिक चिंता में मग्न रहने लगे हैं, ऐसी क्या चिंता है देवताओं के श्रेष्ठ को? अपनी चिंता का कारण जयंत को बताते हुए इंद्र ने कहा, जयंत, तुम तो भली भांति ये जानते ही हो कि जब से केसरी और अंजनी की संतान का जन्म हुआ है,
तब से चारों ओर उसकी जय जयकार हो रही है। परंतु हमें प्रत्येक बार उस संतान की प्रशंसा से क्रोध आता है। हमने उसे उसके माता के गर्भ में नष्ट करने की चेष्टा भी की थी। यहां तक कि हमने तुम्हारे भ्राता बाली को भी यह कार्य सौंपा था, परंतु वो भी असफल रहा था। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम उस दुष्ट बालक की मृत्यु कैसे निर्धारित करें। अपने पिताश्री की यह बात सुनकर जयंत ने अहंकार से कहा, पिताश्री, आप हमें केवल एक अवसर दीजिए, उसके उपरांत आपको कोई ग्लानी नहीं होगी। तनिक हम भी तो देखें ऐसा क्या विशिष्ट है उस बालक में जो हमारे भ्राता बाली स्वयं उसे मृत्यु का भागी नहीं बना सके। जयंत आगे अपने पिता देवराज इंद्र का आशीर्वाद लेकर बाल हनुमान की मृत्यु निर्धारित करने के लिए चल पड़े। परंतु जयंत को क्या विदित था, जिसे वो एक साधारण बालक समझ रहा था, वो कोई साधारण बालक नहीं अपितु महादेव के 11वें अवतार है। वहीं प्रातःकाल कुरु साम्राज्य में माता अंजनी अपने कक्ष में 6 माह के शिशु मारुति के संग खेल रही हैं। तभी राजमहल में एक दासी के संग एक तपस्वी ऋषि पधारे, जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है। माता अंजनी ने उस तपस्वी को देखकर प्रणाम किया, प्रणाम ऋषिवर। ऋषि ने प्रणाम करते हुए कहा, सौभाग्यवती भवा। तभी माता अंजनी ने ऋषिवर के यहां आने का कारण पूछा, ऋषिवर, आप यहां हमारे राजमहल में क्या कोई विशेष कारण है? वहीं उस तपस्वी ऋषि ने आगे कहा, माते, हमारे यहां आने के पीछे एक विशेष कारण है, क्योंकि हमने जब से नन्हे मारुति के विषय में सुना है, हमें इनसे मिलने की व्याकुलता हो आई है। इसलिए हमने सोचा कि हम स्वयं इनसे मिलकर इन्हें अपना आशीर्वाद दें। इस पर महारानी ने कहा, यह तो अत्यंत नेक विचार है ऋषिवर। इतना कहकर महारानी अंजनी ऋषि को अपनी संतान मारुति की ओर लेकर पढ़ने लगी। वहीं एक बड़े से पालने में मारुति अपने चंचल मन से मुस्कुरा रहे हैं और टुकुर टुकुर सबको निहार रहे हैं। तभी माता अंजनी की ओर देखते हुए ऋषि ने कहा, माते, हमारे लिए तनिक जल लेकर आइए, हमारा कंठ सूख रहा है। जी प्रभु। इतना कहकर महारानी अंजनी जल लेने के लिए उस कक्ष से बाहर चली गई। वहीं महारानी के उस कक्ष से जाने के बाद उस तपस्वी ऋषि ने अपने नेत्रों में घृणा लिए मारुति को देखा। इस समय उस कक्ष में अकेले मारुति और वो ऋषि हैं। अब क्या होगा आगे? आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इति। तभी हनुमान जी को कथा समाप्त करता सुन तुलसीदास तनिक असमंजस की स्थिति में दिख पड़ने लगे और हनुमान जी की ओर देखते हुए तुलसीदास ने कहा, परंतु प्रभु, एक प्रश्न है हमारा, ऋषि चालुक्य के अति विष का प्रभाव आप पर क्यों नहीं हुआ था? क्या कारण था इसके पीछे? एवं ये मारुति के कक्ष में उपस्थित ऋषिवर कौन है? तभी अपने मुख पर मुस्कान लिए हनुमान जी ने कहा, तुलसी, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कल देंगे, अभी हमारे चलने की बेला है। आगे जय श्री राम का जयकारा लगाकर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वहीं तुलसीदास जयकारा लगाते हुए बोल पड़े, जय हनुमान, जय हनुमान। आगे क्या होगा इस कथा में? कौन थे ऋषि चालुक्य एवं कौन थे ये तपस्वी ऋषि और क्या थी उनकी मंशा? क्या इस ऋषिवर के कारण नन्हे से बाल मारुति का जीवन संकट में आ गया था? क्या बाल मारुति की मृत्यु हो गई थी? क्या उन्हें जीवन दान मिला था? इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए